हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे हाउ टू डू द कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ एंड पीपीसी। उसके लिए हाउ टू डू द रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, फोकस ऑन इंटेंट कीवर्ड एंड जो आपके जरूरत का बस उसी को सर्च कीजिए और उसके लिए रिसर्च करिए, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करिए, आप अपने बड़े ढंग से उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। रिसर्च के टूल यूज़ कीजिए, वर्ड स्ट्रीम, गूगल, मोज, सेमरस और भी बहुत से टूल हैं, लेकिन इन चार पांच में ज़्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हैं। और कीवर्ड अपने कॉम्पिटिटर का भी देखिए, जिससे पता लगे कि क्या ज़्यादा सर्च हो रहा है और कॉम्पिटिटर जो है वो क्या कर रहा है, उसके URL, उसके कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पर कीवर्ड, वेयर, विच, हु, हाउ, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप आंसर दीजिए, तो आपका कस्टमर आपसे कन्विंस होगा और आपके आंसर को जब सही से आप आंसर करिएगा तो वो आपके पास आएगा और आप अच्छे से काम कर पाएगा और आपका सर्च वॉल्यूम बढ़ेगा। अब क्या कॉस्ट पड़ती है रिसर्च करने की, इसको फाइंड आउट करिए, तब आपका जो पेज पर क्लिक हो रहा है वो पता लगेगा कि कितने कॉस्ट का पड़ रहा है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी उस कीवर्ड को यूज़ करिए या उस कंपेन को यूज़ करिए, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम पड़े, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने ही का कैंपेन लगाएं। और अगर आपका प्रॉपर बिड हाई, कॉमर्शियल काम कर रहे हैं तो आपको बिड हाई लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपका कैंपेन ज़्यादा चले और कीवर्ड का ग्रुपिंग कर लीजिए। और अगर ग्रुप नहीं कर सकते हैं तो बहुत से ऐसे टूल हैं जो बताते हैं कि कीवर्ड कौन कौन से कीवर्ड्स के ग्रुप हैं और उसमें क्या कीवर्ड्स चल रहे हैं। सो वीडियो को डिटेल में देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला तो यही है कि आप अपने वर्ड को क्यों सर्च करते हैं। इफ द पीपुल आर एंड सर्चिंग फॉर योर कीवर्ड देन दे आर एसेंशियली यूजलेस। आपने जो कीवर्ड यूज किया, कैंपेन यूज किया, वो अगर सर्च ही नहीं हो रहा है तो उस कीवर्ड को लगाने का कोई फायदा नहीं है और आपका कैंपेन वर्क नहीं करेगा, ना लोगों का सर्च वॉल्यूम आएगा, ना आपको देख पाइएगा, ना आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कीवर्ड पॉपुलर नहीं है तो आपका लोग देखेंगे नहीं। अब कहाँ कहाँ रिफर होता है, फेसबुक, गूगल सर्च, याहू, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत से, इंस्टाग्राम, रेडिट, बहुत सी जगह पर आपके प्रोडक्ट को रिफर किया जाता है। सबसे ज़्यादा फेसबुक पे है, तो फेसबुक पे सबसे ज़्यादा रिफर करता है, तो वहाँ पे आप अपने कैंपेन को लगा सकते हैं। And guess how people use Google search to find the content and landing page keyword. जिस पेज पे आपके लैंड वो करता है उसका कीवर्ड क्या होना चाहिए वो आप उसको सर्च कीजिए। कीवर्ड आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बिजनेस। अगर आप कीवर्ड प्रॉपर यूज नहीं करते तो आप अपने बिजनेस को नहीं बना सकते हैं। वॉट इज अ कीवर्ड रिसर्च, तो अब कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, कैसे कीवर्ड फाइंड करें। कीवर्ड रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सर्च क्वेरी स्ट्रिंग दैट पीपल यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक एज वेल एज हाउ ऑफन दोज कीवर्ड्स आर यूज। अब कीवर्ड्स जो होते हैं, जो लोग ज़्यादा ढूंढते हैं वही आपका कीवर्ड्स जो होता है अच्छा होता है, उसके लिए आप गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन यूज कर सकते हैं। Keyword research can be conducted through a variety of tools, but the main goal is to find the right search term that have intended align and with your business content. जो आपके business से related, आपके products से related है, वो word अगर आप search करिएगा तो आपका काम सही से होगा और लोग क्या ढूंढ रहे हैं इसको आपको पता करना पड़ेगा।
In addition to search volume, other keyword metrics may be helpful when conducting research and prioritizing with a keyword to target such as. तो उसके लिए आपको cost per click, competition level और authority कौन है उस पर आपको research करना पड़ेगा. Why is a keyword research important? 2 trillion search queries per year Google की होती है और 5.5 billion per day keywords को लोग देखते हैं. Business that cannot be found online will be not succeed. अगर आपका business online है लेकिन कोई उसको search ही नहीं कर रहा है तो वो successful नहीं हो पाता. इसीलिए वो आचार नहीं आता क्योंकि आपका वीडियो जो है वो सर्च ही में नहीं है और जिन लोगों का वीडियो सर्च में है उन लोगों को ज़्यादा लोग देखते हैं. एंड कीवर्ड रिसर्च प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंडिंग योर बायर जर्नी. और अगर आप कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड प्रॉपर लगाते हैं तो आपके वीडियो लोग देखते हैं और आपको ट्रेंडिंग में आ जाता है वीडियो. और डिजिटल मार्केटर्स These are the three area where keyword research is most critical. अब पहला area है search engine optimization. Google bought crawl indexed or website to rank originally on search engine result page. One of the primary ways that search engine decide what to rank is by crawling for keyword. अब जैसे ही आप Google में कोई keyword अपने video का डालते हैं तो उससे related ढेर सारे word आ जाते हैं तो उसमें से आप उनको सेलेक्ट करिए कि क्या ढूंढा जा रहा है, लोग क्या पूछ रहे हैं और उसी वर्ड को अपने वीडियो में या अपने प्रोडक्ट की साइट पर यूज़ करिए जिससे कि आपकी साइट जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाए. वेयर योर कंटेंट स्ट्रेटजी, आपका क्या कंटेंट है उसको लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना देख रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है. इफ़ेक्टिव कंटेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट विद द कीवर्ड रिसर्च. अगर आप बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं तो लोग ज़्यादा देखेंगे. मॉडर्न कीवर्ड रिसर्च प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इनसाइट इनटू व्हाट ऑडियंस वांट एंड नीड. अब जो ऑडियंस चाहता है और उसकी जो ज़रूरत है उससे रिलेटेड जब आप कंटेंट बनाइएगा तो आपका कंटेंट सर्च में आएगा. अब आप ऐसा कंटेंट बनाइए जिसको कोई देखना ही नहीं चाहता है तो वो सर्च में नहीं आएगा. Every single piece of content your site, whether it is 300 word or 5000 word guide, should be written with the SEO in mind. आपके search engine optimization को mind में रखकर अगर आप अपने blog या अपने video को बनाते हैं तो आपका video या product अच्छे से चलेगा. अब अगर आप paid campaign देना चाहते हैं, ad लगाना चाहते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च में आ जाए तो उसके लिए आपको उसके लिए भी कीवर्ड को फोकस करना पड़ेगा कि लोग क्या देख रहे हैं. अगर आपको ये पता लग जाए कि लोग क्या देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कंपेन जब आप लगाइएगा उस वीडियो से रिलेटेड उस कीवर्ड से रिलेटेड कंपेन लगाइएगा तो आपका सर्च में ज़्यादा आएगा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और लोग उसको ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा. आपके वॉच आर ज़्यादा आएगा, आपका सर्च ज़्यादा आएगा, आपका क्लिक ज़्यादा होगा, आपका पर पेज विजिटिंग ज़्यादा होगा और ज़्यादा विजिटिंग होगा तो अर्निंग ज़्यादा होगा. तो इसलिए पेड कंपेन के लिए भी कीवर्ड सर्च ज़्यादा होता है. अब हाउ डू कीवर्ड रिसर्च फोकस ऑन इंटेंट. अब आपको ये बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि जो आप कीवर्ड लगा रहे हैं किस लिए लगा रहे हैं. ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए लगा रहे हैं, इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए लगा रहे हैं या नेविगेशनल पर्पस के लिए लगा रहे हैं. अब ये क्या है, ट्रांजैक्शनल पर्पस मीन्स सेल और बाय, जो हम पहले भी एक बार बता चुके हैं. इंफॉर्मेशनल पर्पस मीन्स आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कुछ स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. और नेविगेशनल मीन्स है कि आप पेपॉल वेबसाइट पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये ढूंढ के आप काम कर रहे हैं. वॉट दिस वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर कीवर्ड रिसर्च राइट. अगर आप राइट कीवर्ड यूज करते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है.
If you are unable to understand the true intent of your keyword, or if the keywords are you are targeting have a wrong intent that isn't aligned with your business. अगर आप कीवर्ड गलत लगाते हैं और आप बहुत क्लियर नहीं कि किस पे आप काम कर रहे हैं तो आपका काम नहीं बनेगा. लेट्स टेक पेड सर्च एज एग्जाम्पल. अब कोई मान लीजिए वेडिंग केक के लिए ढूंढ रहा है और तो वो आपको देखेगा कि कितने पास में आपका ये शॉप है, कहाँ से मिलेगा, किस किस टाइप के केक मिल रहे हैं और उसके लिए उसको उसके हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ेगा और ऐड देना पड़ेगा जिससे कि आपका प्रोडक्ट सेल हो. तो आपका मेन फोकस क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट का ऐसा ऐड दीजिए कि वो वेडिंग केक के लिए लोग आपके ही प्रोडक्ट को परचेज करें. कमर्शियली इंटेंट है आपका कि आप कमर्शियली उसको बेचना चाह रहे हैं. तो वो हर जगह ढूंढेगा कि घर के पास कहाँ पे है और कितनी दूर है, क्या क्या वैरायटी है, क्या चीज कितना अच्छा बनाता है, क्या आपकी रॉयलिटी है, क्या आपको लोग जानते हैं, कैसे है, कैसा बनता है आपके यहाँ. ये सारी चीज़ें आपका कस्टमर पता करेगा. एक ऐसे आप ये सोच के बताइए कि आप जनरल कस्टमर क्या सोचता है. तो उसके लिए आपको ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी पड़ेगी. ब्रेन स्ट्रॉमिंग मतलब रिसर्च करना पड़ेगा और आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड ब्रॉड टॉपिक को भी देखना पड़ेगा. अब आप मान लीजिए बेकरी का काम करते हैं तो आपको उसके लिए केक है, कीश है, क्रोसेंट है, कप केक है, ब्राउनी केक है, कुकीज़ है, सबके बारे में सोचना पड़ेगा और उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा कि केक बेच रहे हैं तो साथ में और क्या क्या चीज़ें आप में अवेलेबल है. उसके लिए ब्रेन स्ट्रॉम लिस्ट ब्रॉड टॉपिक रिलेटेड टू योर बिजनेस. उसके लिए आपको डिटेल में अपने बिजनेस का टॉपिक लेना पड़ेगा, एक्सेल में डालकर उसके डिटेल को समराइज करना पड़ेगा. यूज कीवर्ड टूल टू फाइंड अ स्पेसिफिक कीवर्ड विद ईच टॉपिक और फिर उसके उससे रिलेटेड टॉपिक को पता करना पड़ेगा. अब जैसे केक का हमने एग्जाम्पल लिया था तो अब इसमें देखिए वेडिंग केक हो सकता है, फिर स्टाइलिश वेडिंग केक हो सकता है, समर वेडिंग केक हो सकता है, विंटर वेडिंग केक हो सकता है, क्रिसमस केक हो सकता है. तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ केक्स हो सकते हैं और वो सारी वैरायटी आप जब आप रखिएगा तभी आपका कीवर्ड रखिएगा तभी आपका बिजनेस चल पाएगा, लोग आपके पास आएंगे. अब जैसे आपने डाला वेडिंग केक तो गूगल में ढूंढ के उसने दे दिया वेडिंग केक फॉर सेल, समर वेडिंग केक, रेड वेलवेट वेडिंग केक इन बॉस्टन, वेडिंग केक नियर मी, ट्रेंडी वेडिंग केक, लॉयर वेडिंग केक. अब जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको आप रिसर्च करिए और अपने बिजनेस के हिसाब से उसको यूज करिए. शुड यू स्टॉप? नो, इंस्टिंक्ट विल ओनली गेट यू सो फार. इट इजी टू मिस होल पॉकेट ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड दैट यू शुड बी टारगेटिंग और यू मे फाइंड द कीवर्ड यू थिंक वुड ड्राइव ट्रैफिक सो लो दैट यू वोंट गेट यू एनी मोर. अब आप ऐसे वर्ड्स को यूज करना बंद कीजिए जो आपके सर्च को लो करते हैं, लो वॉल्यूम देते हैं. ऐसे कंटेंट को, ऐसे कैंपेन को रखने से कोई फायदा नहीं है. उसके लिए अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कीवर्ड टूल यूज कर लीजिए. टाइप ईच योर मेन टॉपिक इनटू कीवर्ड टूल टू गेट लिस्ट ऑफ रिलेटेड कीवर्ड. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कीवर्ड टूल यूज कर लीजिए और उससे रिलेटेड टॉपिक को सर्च करके अपने वीडियो में या अपने प्रोडक्ट के लिए कैंपेन में लगा दीजिए. योर कीवर्ड शुड बी मोर टारगेटेड अराउंड योर लोकेशन. और जब कीवर्ड आप सर्च करिएगा तो ऐसा कीवर्ड मत यूज करिए जो निगेटिव इफेक्ट है. ऐसा सर्च यूज करिए वर्ड जो आपके कैंपेन को के वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम को बढ़ाए. इसके लिए 5 कीवर्ड रिसर्च टूल
फाइंड आउट किया गया था जिसमें वर्ड स्ट्रीम सबसे अच्छा है, जिसमें आपको ये पता लग जाता है वर्ड स्ट्रीम में ढूंढने पे कि कितना सर्च वॉल्यूम है करेक्टर पर क्लिक पर चार्ज किया है और कितना कंपटीशन है, हाई है लो है। इससे ढूंढने से ये पता लग जाएगा कि आपका कंपटीटर भी है और वो कितना हाई पे कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी बिड लगाइए, अपनी कैंपेन लगाइए, तो आपका सर्च बढ़ेगा और क्लिक पर चार्ज आपको उतना देना पड़ेगा और उतना पेज पर क्लिक भी होगा। इफ यू गॉट अ गूगल एड अकाउंट देन यू गॉट एक्सेस टू गूगल फ्री कीवर्ड प्लानर। अगर गूगल आपने किया है एड अकाउंट, अकाउंट खोला है, तो आप उसको गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर लीजिए। एंटर अ ब्रॉड टॉपिक टू गेट अ स्पेसिफिक कीवर्ड आइडिया। अपलोड एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ कीवर्ड टू चेक देयर सर्च वॉल्यूम। अब उसमें कीवर्ड का आइडिया दे देगा, सर्च वॉल्यूम दे देगा और वेबसाइट दे देगा कि किस किस वेबसाइट को वो रैंक कर रहा है, और बिडिंग दे देगा कि कितनी बिडिंग लग रही है। ये सारा डिटेल आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा टूल है मॉज कीवर्ड। इफ यू आर लुकिंग टू गो डाउन मोर प्रीमियम रूट ऑफ योर कीवर्ड सर्च, एक्सप्लोर मॉज कीवर्ड एक्सप्लोरर। ये फ्री वर्जन होता है, इस पर जाकर आप अपने कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अब ये क्या क्या बताएगा, कीवर्ड सजेशन देगा, सर्च इंजन एनालिसिस देगा, और वेडिंग केक बेकरी कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी डिफिकल्टी है, कितना मंथली वॉल्यूम है, कितनी प्रायोरिटी है, सारा कुछ बता देगा। और कौन कौन से कीवर्ड सर्च में है, उसका मंथली वॉल्यूम क्या है, और उसके कौन कौन सी साइट पर ज़्यादा रैंक आ रहा है। फिर सेमरेस है, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कीवर्ड बेकरी नियर कितने पास में है, ऑर्गेनिक सर्च कितना है, पेज सर्च कितना है, क्लिक पर चार्ज क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, सब कुछ ढूंढ सकते हैं। फिर गूगल आया, गूगल से आप तो आप हमने बता ही दिया आपको कि अगर आप कोई वर्ड डालते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट कीवर्ड मिल जाएगा। When you are considering keyword to target, you can also Google to see what already ranking. तो उसमें क्या क्या question पूछेगा, is the search engine result page highly commercial? Are there a lot of ads? Does it make more sense to enter the ad auction? अब auction, अब क्या आपको search engine result page पर auction लगाना चाहिए, क्या rank कर रहा है? Are the top ranking site much larger than you? और तो जो साइट्स रैंक कर रही हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा बड़ी हैं, और क्या आप उनसे कंपटीशन ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन न लगाइए और कम बिट पे ही काम करिए, नहीं तो आपका बजट खराब जाएगा। डू द करेंट रिजल्ट मीट द इंटेंट ऑफ द कीवर्ड। अब क्या जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपके ज़रूरत को पूरा करते हैं? अगर ज़रूरत को पूरा करते हैं तभी आप उसको लगाइए। यू शुड ऑल्सो लुक द SERP फीचर्स लाइक पीपल ऑल्सो आस्क बॉस बॉक्स रिलेटेड सर्च एट बॉटम। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो ऊपर तो कीवर्ड आता ही है, नीचे भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सर्च रिलेटेड टू वेडिंग केक, तो ऊपर के जो कीवर्ड आया था हमने अभी आपको दिखाया, ऊपर जो कीवर्ड्स आ रहा है वो तो आएगा ही, लेकिन नीचे भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं गूगल में सर्च करने पर जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो रिलेटेड टॉपिक से होते हैं। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर कॉम्पिटिटर कीवर्ड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या वर्ड यूज कर रहा है और वो कितने की बिड लगा रहा है, कितना ऑप्शन लगा रहा है, जिससे कि आप उसके एवज में अपने काम को कर सकें। और सबसे अच्छा तो यही है कि उसी का कीवर्ड, अगर वो रैंक कर रहा है तो उसी का कीवर्ड यूज कर लीजिए और उसकी साइट यूज़ कर लीजिए और इमोशनल एड्स बनाइए। कैसे कीवर्ड्स और टॉपिक को यूज़ करें और कैसे एड्स बनाएं ये भी जानना जरूर। हाउ टू राइट एड्स दैट गेट हायर CTR क्लिक थ्रू रेट, जिससे आपकी भी ज़्यादा हो जाए। अगर आप ही उसी के कीवर्ड को, उसी की साइट को के URL को यूज़ करिएगा और इमोशनल एड्स बनाइएगा, तो आपका
प्रोडक्ट भी रैंक करेगा। हाउ टू डू अ कीवर्ड रिसर्च फॉर क्वेश्चन कीवर्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। बिल्ड अ ब्रांड ट्रस्ट एंड अफिनिटी, आप अपनी ब्रांड का ट्रस्ट बनाइए और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना सीखिए और उनकी क्यूरी को पूरा करिए और क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं उसको पता करिए। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड आप आंसर दीजिएगा तो लोग ज़्यादा आपके पास आएंगे। इफ यू आर प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन योर क्रेडिबिलिटी विल बी राइज, अलाउ यू टू रैंक हायर ऑन अ सर्च इंजन रिजल्टेड। अगर आप कठिन चीज़ों का सरल आंसर देते हैं तो लोग ज़्यादा आपके पास आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरी फुलफिल करते हैं तो लोग ज़्यादा आपके चीज़ों को सर्च करेंगे। इफ़ यू आर एट द स्टैंड स्टिल व्हेन इट कम ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आर सम रियली ग्रेट कीवर्ड टूल। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे आंसर करें तो आंसर द पब्लिक करके एक फ्री टूल है जिस पर जाकर आप आंसर को सर्च कर सकते हैं और वेयर विच हु हाउ व्हाई इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर पीपीसी। अब अगर ये सब आप कर चुके हैं तो आपको ये भी ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे पेज पर क्लिक को रिसर्च करिए। लेट टेक अ मोमेंट टू रिव्यू सम ऑफ द स्पेसिफिक कंसिडरेशन रिलेटेड टू द कीवर्ड रिसर्च फॉर पीपीसी। अब पीपीसी करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, आप जो कीवर्ड लगा रहे हैं और जो कैंपेन लगा रहे हैं उससे आपको कितना रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहेगा, कितना पेमेंट मिल रहेगा, कैंपेन लगाने का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तब आप पेज पर क्लिक लगाइए क्योंकि उसकी आय बहुत रेट हाई होती है। रिसर्च द एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर ईच कीवर्ड। अब ये इसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि किस कीवर्ड पे क्या वॉल्यूम है सर्च का। मोस्ट एक्सपेंसिव कीवर्ड्स आर बिजनेस सर्विस, बेल बॉन्ड, कैसीनो, लॉयर्स, असेट मैनेजमेंट, इन सब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन कीवर्ड्स की है। और कीवर्ड्स अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो कीवर्ड्स के ऊपर पूरा ग्रुप बना हुआ है जिस पे जाकर आप डिफरेंट कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। मेक श्योर टू डू निगेटिव कीवर्ड रिसर्च। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से निगेटिव कीवर्ड्स हैं जिनको आप ना यूज़ करिए। अब जैसे आप केक बेचने गए और आप रेसिपी की इंफॉर्मेशन दीजिएगा तो आपका केक कौन ढूंढेगा, रेसिपी देखने थोड़ी ना आदमी आया है, तो आपका पेज पर क्लिक थ्रू रेट कम हो जाएगा। बिड हाईएस्ट ऑन कमर्शियल। और अगर आप बिजनेस करना ही चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे आपका इंफॉर्मेशन जो है वो लोग सर्च करें तो आपको उसके लिए कमर्शियल कीवर्ड को ढूंढना पड़ेगा और बिड को हाईएस्ट लगाना पड़ेगा। जितना और लोग बिड लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बिड जब आप लगाइएगा तब आपका सेलिंग ज़्यादा होगी और आपका इंफॉर्मेशन आगे कमर्शियली आप आगे बढ़ पाइएगा। ग्रुप योर कीवर्ड प्रॉपरली, और अपने वर्ड को प्रॉपरली ग्रुप करिए। और नहीं ग्रुप समझ में आ रहा तो कीवर्ड ग्रुपिंग बहुत सी अवेलेबल है साइट पे, उसको ढूंढिए और उसका यूज़ करिए। वंस यू आइडेंटिफाई हाईएस्ट इंटेंट कमर्शियल एप्रोप्रिएट प्राइस कीवर्ड, यू नीड टू ग्रुप देम इन ऑर्डर टू कॉन्फिगर योर कैंपेन। अब अपने कैंपेन को अच्छे करने के लिए आपको उसके कीवर्ड की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और अब ये मत कहिएगा कि हमें कीवर्ड कैसे ढूंढें और क्या कठिन काम है जिससे आप कीवर्ड को नहीं ढूंढ सकते। और ये सारे टूल जो हमने बताए इसको यूज़ करिए और कीवर्ड यूज़ करके अपने काम को बढ़ाइए। थैंक यू व्यूअर, दिस इज़ ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड